मिला अपना नया प्रदेश अध्यक्ष। इस खूबसूरत महिला को दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, आपको बता दें कि बीते लंबे समय से मध्य प्रदेश में भंग पड़ी आम आदमी पार्टी कार्यकारिणी को प्रदेश में नया अध्यक्ष मिल गया है। सिंगरौली से महापौर रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश का आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक द्वारा महापौर रानी अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। बता दें कि रानी अग्रवाल को ये सौगात बीते दिनों राजधानी भोपाल में आयोजित हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में करी 60 बसें और 100 से अधिक छोटे वाहन कार आदि से कार्यकर्ताओं को लाने के उपलक्ष्य में मिली है। बीते सप्ताह भोपाल के दशहरा मैदान पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हुए थे। राजधानी भोपाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद किया था। अरविंद केजरीवाल ने मंच से ही संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। राजधानी भोपाल में आयोजित किए गए सम्मेलन ने मध्य प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की नींदें उड़ा दी है। गौरतलब है कि 14 मार्च आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि आप पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर विधानसभा प्रत्याशी उतारेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लंबे समय से मध्य प्रदेश को तीसरे विकल्प का इंतजार था। मध्य प्रदेश की जनता का यह इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में आप अब तीसरे विकल्प के रूप में तैयार है। बता दें कि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत, जनपद और सरपंची चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का एक महापौर जबकि 52 पार्षद हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के समर्थित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच चुनाव जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकल चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।